नमस्कार प्रिय मित्रों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जन्म कुंडली में राहु की शुभ स्थिति व्यक्ति को करोड़पति अरबपति बनाती है, बड़ा व्यापारी बनाती है, आकस्मिक धन लाभ कराती है। और जन्म कुंडली में राहु की अशुभ स्थिति व्यक्ति को कंगाल कर देती है। तो आज की हमारा चर्चा का केंद्र बिंदु रहेगा, आप जन्म कुंडली में किन स्थानों में राहु होने पर गोमेद रत्न धारण कर सकते हैं ताकि गोमेद रत्न आपको लाभ प्रदान कर सके। आखिर जन्म पत्री में वह कौन कौन से भाव हैं, कौन कौन से स्थान हैं जहां पर राहु ऐसी स्थिति बनाता है कि गोमेद आपको लाभ करेगा। संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त समस्याओं के समाधान के लिए और बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो चलिए मित्रों, अविलंब विषय को आगे बढ़ाते हैं। ये जन्म कुंडली में राहु यदि किसी व्यक्ति के तीसरे, छठे, दसवें और ग्यारहवें स्थान में है तो व्यक्ति को महापराक्रमी बनाता है, व्यक्ति को आकस्मिक धन लाभ कराता है। जिन लोगों के 3, 6, 10 और 11वें स्थान में राहु होता है, ऐसा व्यक्ति राहु की महादशा और अंतरदशा में भारी धन लाभ प्राप्त करता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में तीसरे घर में, छठे घर में, दसवें घर में या ग्यारहवें घर में कहीं पर भी राहु विद्यमान है तो आपको मध्यमा उंगली में निश्चित रूप से गोमेद रत्न शनिवार के दिन धारण करना चाहिए। इससे आपकी तरक्की होगी, आपके व्यवहार में बदलाव आएगा और आपकी इनकम के सारे रास्ते खुल जाएंगे। राहु को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप भैरव जी के मंदिर जाकर दान पुण्य करें, साफ सफाई करें और भैरव जी का मंत्र जाप करने से भी राहु की शांति होती है। दोस्तों, कामना करता हूँ ये बहुत छोटी सी पर बहुत सटीक जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते रहेंगे ऐसी ही छोटी छोटी पर शानदार जानकारियों के साथ भविष्य में भी। तब तक के लिए नमस्कार।